आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती है इसके लिए कि एक्चुअली मैं जिसमें इतने साल और इतने सारे पैसे मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ बीटेक के प्रोग्राम के लिए, तो मुझे लास्ट में आउटपुट क्या मिलेगा, क्या यानी मेरा आउटपुट होगा, क्या मुझे पैसे उससे कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि इसके ऊपर क्वेरीज होते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो डिज़ाइन की जाए। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरा अच्छे से मैं इसके बारे में समझाऊंगा और ये भी लास्ट में मैं आपको कुछ फैक्ट्स वाली बातें भी बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और फिर उसके बाद डिसाइड करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो पैकेज जो चीज़ है वो ज़रूरी नहीं कि आपका कॉलेज से ही लगे, आप आउटसाइड भी जाके ले सकते हैं, लेकिन आउटसाइड से लेना पैकेज उतना आसान नहीं होता। यानी कि आपको कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स, 120 स्टूडेंट, 220 स्टूडेंट ऐसे फाइट करने आपको, लेकिन अब जब बाहर जाते हैं तो आपको लाखों में स्टूडेंट मिलेंगे और आपसे बहुत बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से, बहुत अच्छे यानी कि टीचरों से पढ़ के आए हुए होंगे, तो ऑब्वियसली बात है उनको ही जॉब दिया जाएगा। तो यानी कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाना बहुत ही अच्छी बात है। तो मैंने कॉलेज के हिसाब से मैंने आपको यानी कि एक लिस्ट बनाया है जिसके अंदर एवरेज मिनिमम और इसको मैक्सिमम जो वो है पैकेज है उसको मैंने लिखाया है। पैकेज का मतलब होता है कि इतने लाख पर ईयर, लाख या फिर हजार जो भी हो, इतने लाख या हजार पर ईयर मिलेगा, ये होता है एक्चुअली मैनेज जो मतलब है वो पैकेज का। और जो देखिए इसमें यानी कि मैंने जो चीज लिस्ट जो बनाई है, ये लिस्ट मैंने 3-4 साल के जो पैकेजेस हैं उनको एनालाइज करके बनाई है। अगर आप कई सारे उसके वेबसाइट पे जाइएगा कॉलेजों के, तो वहाँ पे आपको पैकेज जो है वो ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि पता नहीं वो बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं या क्या करते हैं, वो हर एक में आपको 5 लाख एवरेज एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वैसे नहीं है, मैंने स्टूडेंट्स से रिसर्च भी किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछा भी है और फिर जा करके मैंने ये पूरी डाटा जो है एनालिटिक्स मैंने पूरा अच्छे से डिज़ाइन किया है कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता भी जाऊँगा। ये जो ऐसे पैकेज है वो मैंने CS बेस पे डिज़ाइन किया है और ऐसे में IP के अंदर CS बेस पे ही पैकेज बच्चों के लगते हैं, यानी कि CS के बेस पे ही बच्चों के पैकेज लगते हैं कि कोडिंग के बेस पे ही ले जाते हैं। जैसे EC का स्टूडेंट है तो उसको भी कोडिंग बेस पे ले जाते हैं, क्योंकि EC में इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होते, इलेक्ट्रॉनिक्स के यानी कि कंपनीज आती ही नहीं उतनी अच्छी, और यानी कोर कंपनी तो मान लीजिए जीरो ही आती है, और फिर जहाँ तक EEE है तो उसको भी कोडिंग मिल जाता है। बहुत सारे आपको स्टूडेंट मिलेंगे जो कि कोडिंग, इन्फोसिस, TCS, इसमें कोडिंग बेस पे काम कर रहे हैं। और इसमें मैं, ट्रस्ट मी माई फ्रेंड, उसके ऊपर मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, एक अलग ही टॉपिक बन जाता है कि किस तरह से हम अपने कोड जॉब में जाए, तो उसके लिए एक अलग ही टॉपिक बन जाता है। तो अगर आपको ऐसा लग यानी कि थोड़ा सा यानी कि लगता है कि ऊपर नीचे है, तो वो जो है वो अगर आप दोस्तों से पूछेगा या फिर पिछले ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछेगा, तो आपको ये एनालिटिक्स समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एनालिटिक्स बिल्कुल ही सही है। तो देखिए हम चालू करते हैं। पहले सबसे पहले जो है USIT है, जो कि मेन कैंपस है, उसके अंदर 14 लाख की मैक्सिमम जाती है। मैक्सिमम जो है वो एक या दो बच्चों को ही मिलता है माय डियर फ्रेंड, ऐसा ना सोचे कि सबको मिलता है। और जो एवरेज पैकेज जो है वहाँ का वो है 5.5 लाख। एवरेज पैकेज कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब यानी कि टोटल नंबर ऑफ पैकेज प्रोवाइडेड, यानी कि किसी को 3 लाख 4 लाख जैसे मिला सबको सम करके और नीचे में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो मिनिमम पैकेज है, हमें देखना क्या चाहिए, हमें देखना चाहिए एक ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना है और मिनिमम कितना है। मिनिमम जरूर ध्यान में रखिए कि किसी कॉलेज में मिनिमम कितना जा रहा है, मिनिमम ही बताता है कि वो स्टार्टअप्स को ले रही है या नहीं ले रही है। जैसे मैं ये है इसमें स्टार्टअप्स यानी कि इसके जो स्टूडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, तो वो बाहर से भी ले लेते हैं, स्टार्टअप्स में भी जाकर ले लेते हैं, तो इसका 3 लैक्स है मिनिमम पैकेज। और फिर जो नेक्स्ट है वो है MA IT के अंदर जो है वो आपका 3.5 लैक्स आता है जो मिनिमम होता है, क्योंकि TCS और इन्फोसिस को ये अलाउड करते हैं, बहुत सारे कंपनीज को इन्होंने अलाउड नहीं कर रखा जो कि स्टार्टअप्स में है। 14 लैक्स जो है वो मैक्सिमम है, और जो एवरेज है वो 5 और 6 लाख के करीब है। नेक्स्ट जो है वो है आपका मैक्सिमम पैकेज जो इसका 15 लैक्स है, VIPS, ये भारतीय विद्यापीठ का। और
इसका जो फीस है वो ज़्यादा ही है, तो उसके हिसाब से जो इसकी पैकेज है वो उसको डिक्लेयर करती है। और 3.5 इसका यानी वही नॉर्मल सा 3.5 और 6 लाख इसका एवरेज, एवरेज का ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है जो कि यानी कि बिटवीन द मैक्सिमम और उसके 6-5 लाख वाले वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर इसमें एवरेज जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो है वो MSIT है या महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो है ये आपको मैक्सिमम पैकेज 12 लाख के करीब है, और फिर एवरेज जो है 5.5 लाख और मिनिमम जो है 3.75 लाख। फिर उसके बाद आता है आपका AICTCR, और ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं दोस्तों, ये और ये तीन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनके बारे में यानी कि आपको देख लीजिए, इसका पैकेज 12 लाख मैक्सिमम है, इसका मैक्सिमम 12 लाख, 12.5 लाख, 12 लाख, फिर उसके बाद 10 लाख। ये जो कॉलेज है जैसे मैं इसके अंदर की ECE ले रखे हैं या फिर CSE ले रखे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी है। इसमें जीवी पंथ में आपने मैकेनिकल ऑटोमेशन ले रखा था उसकी ज़्यादा पैकेज होती है। फिर उसके बाद मैक्सिमम पैकेज जो है इसका ये 12 लाख, 12.5 लाख है, 4.75 लाख है, और 3 लाख जो है वो इसका मिनिमम है। गवर्नमेंट कॉलेजों का नुकसान यही है दोस्तों कि इसके अंदर अगर नहीं यानी कि बहुत ही कम बच्चों का अगर प्लेसमेंट होता तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन कॉलेजों का क्या है, इनको 100% प्लेसमेंट दिखानी होती तो ये स्टार्टअप्स को भी बुला लेते हैं और प्लेसमेंट करवा ही देते हैं बच्चों का। और लेकिन यहाँ से बच्चे खुद मेहनत करके इधर उधर जितना भी होता है, यानी कि आप अगर किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं अगर IP में, तो आप किसी भी कॉलेज में जाकर के और वहाँ से प्लेसमेंट आप ले सकते हैं। यानी कि जैसे मैं पूरा जो कैंपस होता है वो कंबाइन होता है। अगर मान लीजिए आप AICTCR में पढ़ रहे हैं और आपको USIT में जाना है, तो USIT में जाकर के आप वहाँ पे ले सकते हैं प्लेसमेंट, या फिर MAIT के प्लेसमेंट ड्राइव में प्लेसमेंट में बैठ करके आप वहाँ से प्लेसमेंट ले सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो है BPIT। BPIT का जो है वो है 11.5 लाख है, और एवरेज जो है वो 4.5 लाख है, और 3.5 लाख इसका मिनिमम। ये भी यानी कि ठीक ठाक पैकेज प्रोवाइड करता है। फिर आता है आपका NIEC। NIEC में जो है यानी कि डॉक्टर अखिलेश दास जो है ये 11 लाख प्रोवाइड करता है मैक्सिमम। मिनिमम जो है इसका वो है आपका 3.5 लाख, और एवरेज पैकेज जो है वो 4.25 लाख है। और इसके अंदर यानी कि बच्चे जो होते हैं वो आउटसाइड जाकर के ज़्यादा लेते हैं NIEC से, या फिर NIEC के जो NIEC में जैसे मैं इन्फोसिस इन्फोसिस आती है, तो HMR के बच्चे यहाँ पे आते हैं, यानी मैंने देखा है इन सब चीज़ों को। और यहाँ पे जैसे ये MSIT है, तो इसके बच्चे USIT में चले गए, इसके बच्चे यहाँ पे चले गए, यानी कि ऐसा होता रहता है। और फिर उसका चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो है वो, उसके बारे में आपको बताई दिया। इसके अंदर ऐसा सिविल ब्रांच सबसे अच्छा होता है, तो उसकी पैकेज अलग ही होती है, उसका अलग ही आपको मैं एक टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट जो है वो है 11 10 10th जो है वो है आपका GTBIT यानी कि गुरु टेग बहादुर कॉलेज, जो जिसका 10 लाख जो है वो मैक्सिमम है, एवरेज जो है वो 3.5 लाख है, और जो मिनिमम पैकेज है वो है आपका 2.75 लाख है। इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स कंपनियां जाती हैं जो कि कम पैकेज प्रोवाइड करती है, और इन्होंने अलाउ भी कर रखा है, तो इसी कारण से इनकी पैकेज कम हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो डाइट, ये जो मेगाट्रॉनिक्स और टूल ब्रांच देती है, मैं टूल ब्रांच की बात कर रहा हूँ, तो टूल में जो 40,000 जो है, 40,000 यानी मैं ये वो मंथली बात कर रहा हूँ, वो देखा है मैंने, यानी कि मैंने अपने ही फ्रेंड का देखा है, 40,000 के अराउंड उसका लगा है। फिर उसके बाद मैक्सिमम जो पैकेज है वो 10 लाख, 10.5 लाख है, और एवरेज पैकेज 3.5 लाख है, और मिनिमम पैकेज जो है 3.25 लाख है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ना मैंने देखा है कि यानी कि यहाँ पे तो बच्चे ज़्यादातर जॉब करते ही नहीं है, वो डायरी बनाने की खुद की ही जो स्टार्टअप है वो चालू कर देते हैं। जैसे मैंने अभी देखा था यहाँ पे आपका वजीरपुर के साइड में, वहाँ पे एक मेरे अंकल रहते हैं, उनको देखा, वो उन्होंने डायरी बनाने की खुद की ही फैक्ट्री चालू कर दी। उन्होंने टूल इंजीनियरिंग से जबकि डाइट से पॉलिटेक्निक किया था, और बहुत ही अच्छा यानी कि अर्न कर रहे हैं उससे। और नेक्स्ट जो है वो आपका है 12th जो है वो जिम्स है, ये ग्रेटर नोएडा का है, DTC ये भी ग्रेटर नोएडा का है। इसका एवरेज और मिनिमम ये जो है सेम है, 9.5, और फिर आपका एवरेज जो है वो 3.7, और फिर 3 लाख जो है मिनिमम है। तो इसके अंदर से बच्चे जो होते हैं इनका मेन कैंपस में नहीं होता है, दिक्कत होती है यानी कि कॉलेजेस इतने दूर हैं, तो कई सारे कंपनीज तो पहुँचते नहीं है, बस स्टार्टअप्स ही पहुँचते हैं, तो ये दूसरे कॉलेजों में जाकर के इनके बच्चों के मैक्सिमम पैकेज लग पाते हैं। जैसे HMR है, HMR में भी बच्चे NIEC या फिर कोई और से कॉलेज में जाकर के पैकेज ले लेते हैं ज़्यादा का, नहीं तो उनका
कॉलेज में कंपनीज बहुत ही, यानी कि मैंने तो देखा है कि जो HMR है उसके अंदर इन्फोसिस भी मेरे ख्याल से नहीं आती है, क्योंकि इतना दूर पड़ता है कॉलेज गांव के साइड में, कुछ कहने के लिए नहीं। नेक्स्ट जो है आपका वो है भगवान महावीर। भगवान महावीर जो है वो सोनीपत की साइड में मेरे ख्याल से कॉलेज पड़ता है। इसके अंदर जो है मैक्सिमम पैकेज 2.9 लाख है, और फिर एवरेज पैकेज है 3.75 लाख है, और जो मिनिमम पैकेज है वो 2.5 लाख है। इसके अंदर यानी कि मैं बता रहा हूँ इससे कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, और बहुत सारे को मैं कह सकता हूँ कि हाँ इनका ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे का एवरेज उवरेज निकाल करके, मैंने मैक्सिमम का भी एवरेज निकाल के बताया, 3-4 सालों का मैंने एनालिटिक्स लेकर के फिर मैंने बताया, तो इसलिए हो सकता है कि इस साल या अगले साल इससे ज़्यादा लग जाए, और किसी साल ज़्यादा भी हो किसी साल कम भी हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने एवरेज आपको ये बता दिया है। अगर अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, यानी कि कोई से भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए एडमिशन रिलेटेड, तो फिर या फिर आप चाहते हैं कि मैं मैकेनिकल का या सिविल का किसी भी अलग ब्रांच या ECE का किसी का भी मैं प्लेसमेंट के बारे में पूरा रिकॉर्ड और पूरा उसका इसी टाइप से मैं एनालिटिक्स प्रोवाइड करूँ आपको, तो आप उसके लिए मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर जिस कमेंट के ऊपर लाइक होगा उस कमेंट उसी कमेंट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी आने वाले जो 4-5 दिन है वो आप कमेंट्स कीजिएगा, उसके ऊपर ही मैं वीडियो बनाऊंगा, और पूरी अच्छी एनालिटिक्स के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी कल का जो वीडियो है वो अलग ही आएगा, उसके बाद मैं जो है मेरे को 1-1 दिन का टाइम चाहिए, फिर मैं अपना उसको अच्छे से आपको बना करके प्रोवाइड करूंगा। जो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओ अभी एक चीज़ तो आपका रह गया, वो है कि मैं इसमें क्या आपको अच्छा बताने वाला था। अच्छा यही है कि आप यानी कि जो भी कॉलेज है उसमें आप प्लेसमेंट के लिए ना जाएँ कि प्लेसमेंट उस कॉलेज का अच्छा है या कैसा है, आप इसलिए जाएँ कि उसके कॉलेज में लैब फैकल्टीज वो कैसे है, उसके ऊपर भी वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और वो वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो थम्स अप लाइक का बटन दबाए, ये जो है ये मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है वीडियो बनाने के लिए, और मैं यानी कि आप जब थम्स अप प्रेस करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लग रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, तो मैं आगे भी वीडियोज बनाता है बनाने का बहुत ज्यादा मोटिवेशन इससे मिलता रहता है। कमेंट आप करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका हेल्प हो रहा है और मैं उनको हेल्प कर पा रहा हूँ। मैं जैसे ही कमेंट आता है, अगर मैं ऑनलाइन होता तो तुरंत ही मैं जवाब दे देता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स के मैं जवाब नहीं दे पाता, उसके लिए सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो है प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे एडमिशन रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, वो आप देखिए। मुझे उसके बाद नहीं लगता कि आपके कोई से भी डाउट्स रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने हर एक पार्ट को अच्छे से कवर किया है जो अभी इसके 3rd राउंड के बाद आपके पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो भी आपको दिखने वाला है उसके हिसाब से मैंने सब कुछ कवर किया है। और स्पोर्ट राउंड का मैं एक नोटिफिकेशन आने के बाद एक और आपको अच्छा सा वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।